नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। यूपी के 5 महानगरों में बिजली की सप्लाई निजी हाथों में सौंपे जाने के फैसले पर महाभारत शुरू हो चुके। सदन से लेकर सड़क तक योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। उधर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा सरकार के इस फैसले को जनहित के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं। तर्क दिया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से जहां शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो पाएगी, वहीं बिजली चोरों पर भी नकेल कस पाएगी। जर्जर तारों को बदलना आसान होगा, कटिए पर रोक लग पाएगी, वहीं सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जबकि विपक्षी पार्टियों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार का यह कदम कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से लिया जा रहा है, जिसका बोझ आम लोगों पर ही पड़ेगा। वहीं बिजली कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि माया राज रहा हो, अखिलेश का शासन रहा हो या मौजूदा योगी सरकार, हर दौर में निजी कंपनियों पर मेहरबानी दिखाई जाती रही है। चंद घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकारी बिजली घरों को या तो कमजोर किया गया या फिर उन्हें बंद कर दिया गया। सरकार वितरण का काम निजी हाथों में सौंपकर बिजली महकमे को कॉरपोरेट जगत को सौंपना चाहती है। आज हम लोकतंत्र में सरकार के इसी फैसले का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दरअसल यूपी में गर्मी ने दस्तक दे दी, बिजली की समस्या भी बढ़ने वाली है। ऐसे में सरकार ने उत्तर प्रदेश में महानगरों में बिजली वितरण का काम निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया। सरकार का तर्क यह है कि इससे कटिया चोरी नहीं होगी, लोगों को काफी सुविधा पहुंचेगी। वहीं सरकार के इस फैसले का विपक्ष सवाल भी उस पर खड़े कर रहा है। योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ सहित मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर की बिजली वितरण व्यवस्था निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। मायावती और अखिलेश सरकार ने भी बिजली वितरण का काम निजी हाथों में सौंपा था। जनता की जेबें खाली होती रहीं और कंपनियों की जेबें भरती रहीं। आरोप यह है कि बिजली वितरण का काम निजी हाथों में सौंपने के पीछे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना असल मकसद है। दरअसल 24 घंटे बिजली देने का वादा कर सत्ता में आई योगी सरकार अब पुरानी सरकारों के नक्शे कदम पर चल रही है। पहले की सरकारों ने निजी कंपनियों को बिजली सप्लाई का जिम्मा दिया था और तब बीजेपी सवाल उठाती थी। अब योगी सरकार महानगरों में बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को देने का फैसला कर चुकी है। योगी कैबिनेट ने लखनऊ सहित 5 महानगरों गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ में बिजली वितरण का काम निजी हाथों को सौंपने का फैसला किया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसको लेकर दलील दी है कि सरकार का यह फैसला जनहित में उठाया गया कदम है। उनका कहना है कि इसके जरिए शिकायत मिलने पर जहां तत्काल कार्रवाई हो सकेगी, बिजली चोरों पर जल्द नकेल कसी जाएगी, कटिया चोरी पर भी लगाम कसेगी और सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि निजी कंपनियों को व्यवस्था सौंपकर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की सरकार की यह कोशिश है। चलिए सबसे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि सरकार का यह फैसला असल है क्या और इससे आने वाले वक्त में क्या कुछ असर पड़ने वाला है। 24 घंटे बिजली देने का वादा कर सत्ता में आई योगी सरकार अब पुरानी सरकारों के नक्शे कदम पर चल रही है। पहले की सरकारों ने निजी कंपनियों को बिजली सप्लाई का जिम्मा दिया था, तब बीजेपी सवाल उठा रही थी। अब योगी सरकार ने महानगरों में बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दे दी है। योगी कैबिनेट ने लखनऊ सहित 5 महानगरों गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ में बिजली वितरण का काम निजी हाथों में सौंपने का फैसला ले लिया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की दलील है कि ये जनहित में उठाया गया कदम है। उनका कहना है कि इसके जरिए शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई हो सकेगी, बिजली चोरों पर जल्द ही नकेल कसी जाएगी, कटिया चोरों पर भी लगाम लगेगी। जो राजस्व की जो प्राप्ति हो रही है उसका जो रेशो है वो बहुत कम है और लाइन लॉस ज्यादा है। हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2019 तक पूरे प्रदेश के जितने भी गांव अंधेरे में उनको रोशन करें और गरीब की झोपड़ी में हम लोग बिजली की रोशनी पहुंचाएं। पहले की सरकार को कोसने वाली बीजेपी सरकार अब वही कर रही है जो अखिलेश और मायावती की सरकार किया करती थी। माया राज में आगरा में निजी कंपनी टोरेंट को बिजली वितरण का काम देने से लाइन लॉस काफी कम हुआ था, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिली थीं। अब योगी महानगरों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर बिजली कर्मचारी संगठन सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मार्च 2012 तक 232.63 करोड़ का नुकसान हुआ है।
इन कंपनियों का ऑडिट भी नहीं हो पा रहा है ताकि काले कारोबार पर पर्दा डाला जा सके। जब तक आगरा का इंटरनल सीएजी ऑडिट ना हो प्राइवेट कंपनी का, जो सरकार नहीं होने देती, जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं उनका कोई विश्वसनीयता नहीं है। मेरा आरोप है कि आगरा में निजी घराने को, जो अहमदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी है, उसको बेजा मुनाफा दिया जा रहा है, उसका करार रद्द किया जाए। बिजली विभाग कंगाल हो रहा है और कंपनियां मालामाल। साल 2000 में बिजली विभाग का घाटा 453 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 72,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसकी भरपाई के नाम पर कई बार उपभोक्ताओं की जेबों पर डाका डाला गया। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले की सरकारें जिम्मेदार हैं। अब योगी सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। सरकार के इस फैसले से विपक्षी दलों में आक्रोश है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा जो बिजली को निजीकरण करने की घोषणा की गई है, भारतीय जनता पार्टी उद्यमियों के साठगांठ से उत्तर प्रदेश के विद्युत व्यवस्था को बिगाड़ने पर लगी है। बिजली कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि माया राज हो, अखिलेश शासन हो या फिर मौजूदा सरकार, हर दौर में निजी कंपनियों पर सरकार मेहरबान रही है। सवाल उठने के बावजूद निजी कंपनियों से बिजली की खरीद जारी रखी गई। जानकार मानते हैं कि चंद घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी बिजली घरों को या तो कमजोर कर दिया गया या बंद कर दिया गया। अब बिजली वितरण का काम निजी हाथों में सौंपकर बिजली विभाग को कॉरपोरेट जगत के हाथों में सौंपा जा रहा है। इसके विरोध में कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। यूपी में बिजली वितरण का काम निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ सुर मुखर हो गए हैं। सरकार भले ही अपने फैसले को जायज ठहरा रही हो, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक उबाल आ गया है। विधानसभा में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी तो वहीं बिजली कर्मचारी भी आर पार की लड़ाई के लिए लामबंद हो चले हैं। कैमरामैन मन्ना और सहयोगी अविनाश मिश्रा के साथ ज्ञानेश शुक्ल, एपीएन लखनऊ। और वही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, ये भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, वो भी वो निजी हाथों जो उनके उद्योगपति, जो उनके मित्र हैं, जो उनके सहयोगी हैं। या तो सरकार पर आरोपों की बौछार भी खूब हो रही है। दरअसल यूपी के 5 महानगरों में बिजली की सप्लाई निजी हाथों में सौंपे जाने के फैसले पर ये महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ लखनऊ से बीके गोस्वामी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कृष्णकांत पांडे जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वहीं जीके मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप अध्यक्ष हैं यूपी अभियंता संघ के। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत गोस्वामी जी आपसे ही करूंगा। पहले आप ही लोग विरोध करते थे, आज आप ही लोग इस तरह का फैसला ले रहे हैं, क्या जरूरत आई? देखिए अच्छे जी, हम उत्तर प्रदेश में जो भी योजना ला रहे हैं जन कल्याण के लिए, उसमें चाहे बिजली की स्थिति क्या रही पिछले 15 सालों में, कुछ ही जिलों में बिजली मिलती थी, आज हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में बिजली देने काम कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि हम 24 घंटे बिजली हर जिला मुख्यालय पे और 20 घंटा तहसील पे और गांव में पहुंचाने काम करें। ये जो निजी काम के संबंध में एक प्रस्ताव आया है जी, उस पर विचार चल रहा है। और मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ना हम कर्मचारियों को कोई अहित होने देंगे। और हमारा मेन उद्देश्य है 24 घंटा गांव में, शहर में बिजली पहुंचाना। और एक ऐसी प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पर हम लोग विचार कर रहे हैं। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप कह रहे हैं कि सरकार ने जनहित में ये फैसला किया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार की ये मेहरबानी है। लोग कंफ्यूजन में, लोग यकीन किस पर करें? भाषा बोलना है, लोग यकीन किस पर करें और क्यों करें, सर के साथ बताइए। यही विपक्ष के लोग 15 साल सत्ता में रहे जी, उन्होंने कितना बिजली दिया? कुल 5 जिले में बिजली आती थी और बाकी 70 जिले में बिजली नहीं आती थी। आज देख लिया, हर जिला मुख्यालय पर बिजली आ रही है, गांव में आ रही है
और 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं, जो भी बिजली की समस्या उसका हम समाधान कर रहे हैं। और अगर कुछ जिलों को हम लोगों ने चयन किया गया है निजीकरण करने के लिए, तो ये भी प्रारंभिक रूप से बात आई है, विषय आया है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम विपक्ष के भी नेताओं से कहेंगे कि इसमें हम सहयोग करें, कर्मचारी संघ के लोग भी सहयोग करें, लेकिन हम कह रहा हूं कि कर्मचारी के हित में हमारी सरकार कोई भी कार्य नहीं करेगी, लेकिन जनकल्याणकारी योजनाओं को हम लागू करने के लिए बीजेपी कृत संकल्प है। चलिए, इस पर हम जीके मिश्रा जी से भी जवाब जरूर लेंगे कि जो आपने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की अनदेखी नहीं होगी, उनके साथ अन्याय नहीं होगा और ये जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। लेकिन उससे पहले मनोज यादव जी, मैं आपके पास आऊँगा। सरकार के मुताबिक जो अभी गोस्वामी जी भी तर्क दे रहे हैं, क्या विपक्ष होने के नाते आप लोग विरोध कर रहे हैं या वाकई में लोगों के प्रति चिंता है इसलिए विरोध कर रहे हैं? देखिए अच्छे जी, निजीकरण जब करने का समय था तब तो निजीकरण किया नहीं गया। 5 साल पहले बिजली उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, ये हमारे साथी जो बैठे हुए मिश्रा जी हैं बिजली विभाग के, वो बिल्कुल आपको डिफाइन करेंगे। और इन 5 सालों में पूर्व की सरकार ने बिजली को व्यवस्थित सुनिश्चित करने का कितना प्रयास किया ये भी वो बताएंगे। अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है ये लगे कि सरकार की तरफ से अपनी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक काम था। तो समय तो तब था निजीकरण करने का जब वो व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई थी और हमें बिजली खरीदने की भी तमाम सारे प्रयास किए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, अन्य प्रदेशों से, तब यहां आपूर्ति थी। आज 2016 से 17 में हमारा लक्ष्य था कि गांव में 16 घंटे और बड़े शहरों में 24 घंटे लाइट देने का लक्ष्य था और उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो परीक्षा तपीय परियोजना 2x250 मेगावाट 500 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए हमने काम किया, अनपरा डी जिसमें 1000 मेगावाट काम बिजली पैदा करने का काम किया सपा सरकार ने, और ओबरा सी जिसमें लगभग 660 मेगावाट बिजली का, ये मैं मोटा मोटी 2-3 आपको बता रहा हूं। और इस तरह चाहे वो लाइन चेंजिंग का काम रहा हो, चाहे बिजली व्यवस्था को ललितपुर जिले का हो, तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट जहां बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा की जा सकती थी, उसको एक शब्द में कहिए, उत्तर प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में पूर्व की सरकार ने पूरी कोशिश की। ये काम एक दिन का नहीं है, एक दिन में नहीं हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत बीजेपी की सरकार कह के आए थे ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, व्यवस्थाएं सही करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने की जगह आज स्थिति है कि उसको निजी हाथों में दिया जा रहा है, निजी हाथों में सौंपना, मतलब भ्रष्टाचार गरीब। हाँ, भ्रष्टाचार, ये देखिए, आप बड़े बड़े घरानों को बिजलियां दे रही है, भ्रष्टाचार ही तो है। आप उनसे चंदा लेंगे और फिर 35-35 जहाज उड़ाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर हर गांव में उतरेगा, मोदी जी के तमाम सारी बातों को इनके मंत्री सब सुनाएंगे, ये भ्रष्टाचार ही तो है। आपका पैसा कहां से आता है? चले ठीक है, जीके मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा और मनोज यादव जी के इस कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। अभी उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जिस वक्त जरूरत थी निजीकरण करने की, उस वक्त हमारी तरफ से प्रयास किए गए। अगर अब निजीकरण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं तो ये फिर भ्रष्टाचार कैसे? ये विरोध की खातिर विरोध है क्या? आप थोड़ा स्पष्ट तरीके से रोशनी डालिए। जिन 5 शहरों के निजीकरण का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, कैबिनेट द्वारा लिया गया है, उन 5 शहरों में वास्तव में पिछले 3-4 सालों में काफी निवेश किया गया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दिया गया और काफी उसमें काम हुआ है। आज हमारे अभियंता कर्मचारी सभी लग करके इन 5 शहरों में न सिर्फ काफी अच्छी सप्लाई दे रहे हैं, आप इनके रेवेन्यू के बारे में इनको बताएंगे आपको अभी, कि जो हमारा रेवेन्यू है जी, वो लखनऊ में कोई प्रभावशाली रेवेन्यू हमारा आ रहा है वो 7.15 रुपए पर यूनिट आ रहा है। हमारा जो दूसरा गोरखपुर है उसमें 6.5 रुपए पर यूनिट आ रहा है। हमारा जो वाराणसी है उसमें 7 रुपए आ रहा है। कोई भी जो शहर है उनका रेवेन्यू 6.5 रुपए से कम नहीं आया है। इसमें हमारे अभियंताओं ने बड़ी मेहनत की, हमारे कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत की है और इस हद तक ले आए, इस स्तर तक ले आए हैं कि अब अच्छे हम लोग लाभ में आ गए हैं, इन संस्थाओं को लाभ में ला लिए। जहां तक एक तरफ, दूसरी तरफ आगरा में जो प्रयोग किया गया निजीकरण का, तो वहां पे आगरा कंपनी पूरी तरह फेल हो गई है। हमारे पास, हमारे सामने एजी ऑडिट का रिपोर्ट है, कैग ऑडिट ये कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि टॉरेंट कंपनी को आगरा क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था दे करके उसमें सरकार को, पावर कॉर्पोरेशन को 4000 करोड़ का घाटा हुआ है
या कोई हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी आडिट का रिपोर्ट कर रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है जो वाच रखती है सारी संस्थाओं पे कि वो सही पैसे का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। तो ये जो अब आज देश में नीरव मोदी भाग गया, 14 लाख करोड़ रुपए देश के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो बैंक का लेकर वो एनपीए घोषित करने की तैयारी है उसको, तो आज की डेट में जब निजी क्षेत्र इस तरह से विफल हो गया पूरे देश में, विद्युत क्षेत्र में हम आपको बता दें कि उड़ीसा में यह प्रयोग पहले भी विफल हो चुका है, वहां पे जो प्राइवेट कंपनियां थी वो छोड़ के भाग गई। इसी तरह से 5 और फ्रेंचाइजी बेस्ड जो काम दिया गया था, इसमें भागलपुर है आपका और भी कई शहर है, उज्जैन है, ये सारे यहाँ पे जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी थी वो छोड़ के भाग चुके हैं। तो निजी क्षेत्र तो बहुत तेजी से भाग रहा है, वो तो मुनाफे के लिए आते हैं, और जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जो मेहनत की है, हम लोग इस स्थिति में आए हैं कि खुद ऊर्जा मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है, अपने उपलब्धियों में गिनाया है कि 1000 साल के अंदर हम लोग इतने हजारों कनेक्शन गांव में दिए हैं, बिजली की व्यवस्था बहुत सुधरी है इधर, और ये निश्चित है कि ये कोई 1 साल का काम नहीं है, बिजली कोई एक दिन में नहीं सुधारी जा सकती, इस पे लगातार काम हो रहा है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर निजीकरण होता है तो उससे नुकसान क्या हो रहा है और उसका फायदा क्या होने जा रहा है? देखिए फायदा तो आप देख रहे हैं आगरा में क्या हुआ, दिल्ली में बिजली के रेट कितने बढ़ गए, और ये प्राइवेट किस तरह से भागते हैं, देश से भाग जाते हैं। नीरव मोदी भाग गया, उसके पहले माल्या भाग गया देश छोड़ के, तो ये मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो अगर सरकार नहीं मानी और इस पे आगे बढ़ी तो ये इस बिजली कंपनियों को भी छोड़ के ये भाग जाएंगे और उस अवस्था में हमें देके जाएंगे, जर्जर अवस्था में, फिर हम वो सप्लाई करने की स्थिति, आपूर्ति देने। चलिए ठीक है, कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको आगरा में इसका मतलब ये माना जाए कि सरकार को अपने महकमे पर ही भरोसा नहीं होने लगता कि अगर निजी हाथों में व्यवस्था सौंप दी जाए तो उसका बेहतर रिजल्ट आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं आऊंगा मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। अच्छा जी, सच यही है कि यह सरकार कुछ दिनों के लिए जैसे लग रहा है कि इंटरटेनमेंट के लिए आई हुई है, और इस कुछ दिनों में जितना कितना अधिक से अधिक अपने लोगों को मोबिलाइज करने का अवसर मिल सके वह करना चाह रही है। थोड़ा सा पीछे चलना चाहेंगे, 1976 में बिजली का पहले निजीकरण ही था, इसके बाद यह सरकारीकरण 1976 में हुआ। हमारे बिजली विभाग के बड़े पत्रकार हैं, हमसे बेहतर बताएंगे। जब यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 बना और वह 6 फरवरी 1925 को एक एग्रीमेंट के तहत 50 साल के लिए जब मार्टिन बर्न एंड कंपनी को दिया गया और 1975 तक यह रहा उसके अधीन, और सारा काम करते हुए 1976 में जब यह सरकारीकरण हुआ और तब से बिजली की स्थिति पूरे देश में सुधरी, 5,82,000 गांवों में 1947 से और 2014 तक 5,82,000 गांवों में विद्युतीकरण देश में हुआ। एवरेज के अनुसार 25 गांव पर डे के लिहाज से हुआ, और 2014 से अब तक 18,000 गांवों में बिजली का विद्युतीकरण गांव में होना था, जिसमें जो एवरेज है उसमें 1.5 गांव प्रतिदिन 1.5 विलेज पर डे के एवरेज से हो रहा था, वो भी काम पूरा नहीं हो पाया। सारा कुछ होते हुए आखिर आज बिजली का यह क्यों किया जा रहा है, मतलब प्राइवेट क्यों करने की बात है। 3,29,000 मेगावाट का पावर हाउस हमारे देश में लगा हुआ है, और हमारे देश को जरूरत होती है 1.75 लाख की मेगावाट की, आप बेहतर जानेंगे। और ये जितने पावर हाउस लगे हुए हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के, ये सारे आज देश में बंद पड़े हुए हैं। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से आगरा का निजीकरण बिजली का किया गया और वह भी अहमदाबाद के एक उद्योगपति को बुला के एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसको दिया गया, उसी तरह से यह जो पावर हाउस बंद है, यह भी अडानी अंबानी इत्यादि इसी तरह के काफी महत्वपूर्ण लोगों के बंद है, जिनके निर्देश पर देश की दशा और दिशा तय आज के तारीख में हो रही है। सवाल यह है कि बिजली महंगी पैदा करते हैं, और इसीलिए यह गवर्नमेंट की स्कीम भी आई पावर फॉर ऑल, उसका एकमात्र कारण था कि यह सारे जितने इन प्राइवेट लोगों के बंद पड़े हुए हैं कारखाने बिजली के, या खुले, जनता को भले ही बिजली महंगी क्यों न मिले। आपको याद होगा कि नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में शाम को 5 बजे समाप्त हो रहे हैं,
मैं समझता हूं शायद सेम डे ही बिजली की किस तरह से बढ़ोतरी की गई कि गांवों में 155% बिजली का बढ़ोतरी की गई जो 70 साल में शायद इतना अब तक कभी नहीं की गई थी। यह अडानी अंबानी तथा प्राइवेट उन उद्योगपतियों के जिनके कहीं कहीं दूर दराज के रिश्ते गुजरात से हो, जैसा अभी मिश्रा जी बता रहे थे, चाहे वह भले विदेश लेके भागे। निजीकरण का फैसला ये कोई पहली बार नहीं हो रहा ना पांडे जी, ये पिछले 15 सालों से तकरीबन माया सरकार में भी वही हुआ, अखिलेश शासन काल में भी वही हुआ, और अभी जो जीके मिश्रा जी जो अभी तर्क दे रहे थे कि व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं और उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ा है। मैं रविंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगा, ये तर्क दिया गया कि माया राज में आगरा में जो निजी कंपनी टोरेंट को बिजली वितरण का काम देने का जो काम किया गया था उसका नतीजा ये था कि लाइन लॉस कम हुआ, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल पाई, ये तर्क दिया गया था। और अब अगर निजीकरण हो रहा है तो अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से, कौन सा ये लोगों में कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा कि वो किसकी बात को सच माने? नहीं, कंफ्यूजन भी है और दूसरी अक्षय जी एक बात यह है, जैसे टोरेंट की आपने बात करी जी, टोरेंट को यही सरकार आधे दाम पर बिजली दे रही है, 391 के हिसाब से पर यूनिट बिजली दी जा रही है और वो महंगी बिजली उपभोक्ताओं को देती है। और उसके बाद जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, सीएजी रिपोर्ट में भी यह है कि उसने बड़ा भारी घोटाला वहां हुआ है। सवाल ये नहीं कि निजीकरण दिया जाए ना दिया जाए, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल सरकारी महकमों पर, सरकारी विभागों पर 10,800 करोड़ रुपए का बकाया है। अभी एक लिस्ट निकली जिसमें कि मंत्री विधायक और सांसदों पर जो बकाया है वो 2.5 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक है, जिसमें बिजली मंत्री भी शामिल हैं जिनके ऊपर लगभग 5 लाख रुपया बकाया है, उन्होंने भुगतान नहीं किया। यहाँ कल ऐसे वीआईपी लोगों की बिजली काटी गई और उसके बाद सरकार की ओर से दबाव पड़ा और उनकी बिजली जोड़ दी गई, यानी लोग नहीं जोड़ना चाहते थे लेकिन बिजली जोड़ी गई। किसी आम उपभोक्ता पर अगर 2,000-5,000 का भी बकाया हो जाता है तो उसकी बिजली तुरंत काट दी जाती है। प्रश्न यह है कि करीबन 11,000 करोड़ रुपए सरकारी विभागों को बकाया है, इसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? बिजली विभाग को घाटे में क्यों जाने दिया जा रहा है? बिजली विभाग को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? मंत्रियों, विधायकों, सांसदों पर इतने बकाया कैसे हो गए हैं? तो स्वरूप इस बात का है कि आप विभाग को कैसे चलाएंगे। अगर निजीकरण भी होता भी है और आज आप 5 कर रहे हैं कल 10 करेंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली महंगी मिलेगी। दिल्ली में करीबन 9.25 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, हमारे यहाँ भी जब और बिजली कंपनियों को दिया जाएगा, प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा तो बिजली महंगी होगी उपभोक्ताओं के लिए। लेकिन प्रश्न यह है कि बिजली भले ही महंगी हो लेकिन निर्बाध गति से मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम उपभोक्ता से ज्यादा उन लोगों पर जो बकाया राशि है, सरकारी विभागों पर जो बकाया राशि है, इसकी वसूली होना चाहिए ताकि विभाग मजबूत हो सके। और आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा और हमने निजीकरण किया तो ये बिजली विभाग का फिर अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ना फिर नौकरियां होंगी, ना नौकरियां निकलेंगी, ना इंजीनियर भर्ती किए जाएंगे, ना और कर्मचारी भर्ती होंगे, तो बिजली विभाग समाप्त हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि हम अगर निजीकरण करते भी हैं तो कम से कम एक तो विभाग में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर गाज न गिरे। दूसरी चीज ये है कि जो बकाया राशियां हैं, आज जिन विभागों पर सरकार बकाया, लखनऊ अगर हम दे देंगे, लखनऊ में रेवेन्यू के मामले में लखनऊ बहुत अच्छा है, और उस हिसाब से ये रेवेन्यू कहां जाएगा? 11,000 करोड़ अगर जो बकाया सरकार का रहेगा ये नहीं मिलेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? चले बिल्कुल, अभी गोस्वामी साहब एक बात कह रहे थे, अभी गोस्वामी जी की तरफ से कहा गया था कि कर्मचारियों को बिजली विभाग के समायोजित किया जाएगा, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन कैसे सब पॉसिबल होगा इस पर भी हम जवाब लेंगे। हम बात कर रहे हैं बिजली विभाग की, जिसके निजीकरण को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। आपको बताते हैं कि विद्युत वितरण का काम निजी कंपनियों को सौंपे जाने को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार तर्क दे रही है कि ये जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोस्वामी जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। सबसे पहले जो जीके मिश्रा जी की तरफ से कहा जा रहा था कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों का क्या होगा, क्या उन्हें भी घर बैठा देंगे क्या? देखिए अच्छा जी, हम बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, अभी हम चैनल पर आने के पहले डिप्टी सीएम से मेरी वार्ता सीधी हुई है, दिनेश शर्मा जी से। उन्होंने हमको खुद आश्वस्त किया कि गोस्वामी जी आप जा रहे हो तो इतना जरूर कहिएगा कि कर्मचारियों के हित में सरकार काम करेगी। अब जाते भी उन्होंने हमको फोन किया था। नहीं तो कैसे करेगी, ये भी तो बताइए। ऊर्जा मंत्री का कहना है
हम कहीं इनको हटाने नहीं जा रहे हैं या कहीं इनको हम हटाने जा रहे हैं, इनका ये इन लोगों का अच्छा कार्य है, इनका अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है, लेकिन कुछ सरकार का अपना जन कल्याण के लिए तो आप जानते हैं अच्छे जी कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जब हम 24 घंटा लाइट देंगे, हम 20 घंटे देंगे, हम 18 घंटे देंगे, तो कुछ व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरकार भी थोड़ा सा अच्छा कदम उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तो अभी वार्ता चल रही है, ऐसा नहीं कि कोई सरकार ने डिसीजन ले लिया, कैबिनेट में पास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब वार्ता चल रही है तो डिसीजन भी हो जाएगा। और कर्मचारी संघ के जो भी नेता हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनके हित में ही सरकार खड़ी है, उनके अहित में कोई भी काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अच्छा काम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है, इसी साल 1.7 पहुंचा चुके हैं, तो इनके कार्य बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें अगर बिजली देना है तो कुछ अच्छी व्यवस्था भी बना के देना है, तो ये चीज तो आप जानते हैं कैसे होता है। मिश्रा जी, संतुष्ट हैं आप गोस्वामी जी के इस जवाब से? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं और जो ये शहर चुने गए हैं निजीकरण के लिए, ये इनमें से अच्छा रेवेन्यू, ये लाभ के हैं सारे शहर जिसमें हम लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ वाली जगहों का आप निजीकरण करेंगे और जो हानि वाली जगह होंगी उनका आप राष्ट्रीयकरण करेंगे, राज्य चलाएगा उसको, तो ऐसे ये बिजनेस कैसे चल सकता है? संभव नहीं है। जहां तक कर्मचारियों की बात है, ये जो 4-5 शहर हैं, इसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, आपको आपको पता होगा, खुद ही पता होगा कि इसमें बहुत ज्यादा कंज्यूमर बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं जी। मुझे तो बड़ा उम्मीद थी कि प्रदेश में नए उद्योग आएंगे और जो हमारे बेरोजगार, हमारे पास तमाम फोन आते रहते हैं, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो पूछते रहते हैं सर कब वांट निकलेगी पीसीएल की। उधर मैं बताता था कि वांट निकलने वाली है, लेकिन इधर मैं बड़ा मायूस हो गया जब एक खबर सुना। मैं उन बच्चों को बताता हूँ कि नहीं, अब वांट नहीं निकलेगी यहाँ पे, अभी तो पीसीएल का एग्जाम अभी हम लोग की सरकार ने कराया है, प्रोसेस है, वैकेंसी आ रही है, करा सकते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रोजगार है, देखिए हमारे करीब हजारों पद इंजीनियर के, हजारों पद जूनियर इंजीनियर के, हजारों हमारे टेक्नीशियन, हमारे हजारों हमारे जो क्लास 4th एम्प्लॉइज हैं जो इस काम को देखते हैं, आप लोग जानते हो कि कैसी वर्किंग होती है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो सब। पहले तो ये कहेंगे कि भाई ठीक है उनको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये पद हमारे समाप्त हो जाएंगे और वो किसी तरह से आगे क्या स्थिति होगी, ये पास शहरों की। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जिन 5 महानगरों में बिजली वितरण का काम निजी हाथों में सौंपे जाने की जो तैयारी है, क्या हमारा बिजली विभाग कैपेबल नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है क्या कि वो विद्युत वितरण बेहतर तरीके से करता? क्षमता है और अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं बता रहा हूँ, हमारे एसडीओ जाके मार खा रहे हैं, रेवेन्यू को सुनने के लिए उनपे मार पड़ती है, उनपे काफी जो लोग हैं बिजली का बिल जो नहीं देना चाहते हैं, जो कई दबंग लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बिजली का बिल नहीं देते। नहीं तो मनोज यादव जी, फिर एक सवाल ये भी नहीं उठेगा, आप लोग भी इस बात को लेकर दावा करते रहे कि हम शहरी इलाकों में 22 से 24 घंटे बिजली देते रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे। योगी सरकार भी कह रही है कि हम तो 24 घंटे शहरी इलाकों में दे रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में अब 18 से 20 घंटे और कहीं कहीं पर 22 घंटे की भी बात सामने आ रही है। तो फिर कहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी, कह रहे हैं कि 24 घंटे अच्छा अगर बिजली देना है तो सरकार को यह फैसला करना पड़ा है, इसका मतलब यह है कि लोगों तक बिजली अभी नहीं पहुंच पा रही। अच्छा जी, देखिए ये बिल्कुल गोस्वामी जी की बात से मैं असहमति जताते हुए ये बात कहूंगा, बिजली जो भी पैदा की जाती है वो सारी बिजली उत्तर प्रदेश जो उसका खुद का संसाधन है और जो वो खरीदता है बिजली, हमारी सरकार में लगभग 6000 मेगावाट बिजली खरीदने की व्यवस्था थी। हम 6000 मेगावाट बिजली खरीदते थे, बाकी उत्पादन करते थे। हमारे गोस्वामी जी किस आधार पे ये बात कह रहे हैं कि निजीकरण में देने का? अरे सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सब कुछ क्लियर है। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको कुछ सही करना है तो जाइए सोनभद्र में दीजिए, मिर्जापुर में लाइट दीजिए, आजमगढ़ में दीजिए, बलिया में दीजिए ना। आप इन महानगरों पे क्यों नजर गड़ाए बैठे हैं? यानी कि आपने ये जो जगह गिनाई है पिछली सरकार में वहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई ठीक ढंग से। मनोज जी को मालूम होगा 7 जिले भी लिए जा रहे हैं उसमें, ये बात शहर भी है और 7 जिले भी है। गोस्वामी जी रुक जाइए, सुन लीजिए मनोज जी को भी। चाह रहा हूं महानगरों की बात इसलिए कि यहां का जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि रेवेन्यू बेहतरीन कलेक्शन है, उस कलेक्शन पे इनकी नजर है।
इनको रोजगार देना नहीं है, रोजगार मिटाना है, उसमें मुझे कोई शंका नहीं, इसलिए मैं रोजगार पे बात नहीं करूंगा। ये नौकरी देने वाले लोग नहीं है, इसलिए इस बात को खत्म करिए। दूसरी बात, बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से अगर अभी और अच्छे से काम किया जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं अभी 4-5 साल और लग जाएगा। जो लाइनों को एक करके किया जा रहा है, बिजली चोरी रोकने के जो प्रयास नहीं, तो जा रहा है, सवाल तो यही उठते थे ना कि भाई हमारी ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं क्या वो इतनी कैपेबल हैं? नहीं, पहले वो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, आप लगातार 24 घंटे लाइट नहीं दे सकते थे, उसकी कैपेसिटी झेलने की ना तारों की ताकत थी और ना ट्रांसफार्मर झेल सकता था। वो तो जब धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली गई, लोड बढ़ाए गए, एक एक ट्रांसफार्मर में अगर 200 कनेक्शन की व्यवस्था थी तो उससे 500 चल रहे थे, फिर उस पे जब 1000 कनेक्शन का ट्रांसफार्मर रखा गया तब उसका लोड कम हुआ और वो सुचारू रूप से 24 घंटे बिजली दी जा सकती थी, ऐसी व्यवस्था की गई। पांडे जी, सिर्फ और सिर्फ पांडे जी, योगी सरकार तो शुरुआत से ही अपना फोकस भी बिजली विभाग को दुरुस्त करने में, ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही थी और ये दावा भी कर रही कि हमने न जाने कितने लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध कराया, जिन घरों तक बिजली की पहुंच नहीं थी उन घरों तक बिजली पहुंचाने का काम भी किया और सुनिश्चित कर रहे हैं कि कुछ खास जिलों को नहीं पूरे प्रदेश को एक समान बिजली मिल पाए। सबसे पहले तो इन्होंने किसी को भी बिजली मुफ्त नहीं दिया। जो सौभाग्य योजना की बात चल रही थी वह सबके बिल में, हाँ कनेक्शन की बात चल रही थी वह सबके पहले बिल में, वह पार्ट वाइज करके इस तरह से सबके बिल में जोड़ के जितना भी उस पर खर्च आया वो आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, दूसरी चीज आप अपने समय बता दीजिएगा, जितनी बात कहूंगा तथ्य के साथ कहूंगा और चैलेंज के साथ कहूंगा, जिस पर आगे भी टिका रहूंगा, आप ले आइएगा प्रूफ, हम प्रूफ दे देंगे। दूसरी चीज, और चूंकि अभियंता संघ के एक बड़े पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं उनके सामने हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, यह निजीकरण इसीलिए हो रहा है ना कि बिजली की वसूली नहीं हो पा रही है। अभी रविंद्र सिंह जी ने बताया कि आखिर आपके यही इंदिरा भवन, जवाहर भवन, दारुल सफा जो विधायक निवास है, बीबीआईपी, बीआईपी तमाम मंत्रियों के आवास, और जो ऊर्जा मंत्री है उनके आवास में स्वयं बकाया, तमाम प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकार जो है बटलर पैलेस कॉलोनी में लखनऊ में रहते हैं, किसी पे 9 लाख, किसी पे 11 लाख, किसी पे 5 लाख के बकाए पड़े हुए, आप उनकी वसूली क्यों नहीं करते? परसों बिजली काटी गई है, इन लोगों के ऊपर डंडा पड़ा होगा, बिजली जोड़ दी गई, 24 घंटा भी नहीं रहा, हुआ कि नहीं ऐसा हुआ? 24 घंटा भी नहीं कटा रह सका, बिजली जोड़ दी गई। और यह निजीकरण की हालत सुन लीजिए आगरा की, आप अपने प्रतिनिधि से पूछवा सकते हैं जी। आगरा में दबंग लोग जाके वसूली कर रहे हैं, जिसके घर से महिलाएं और बच्चे निकल के बिजली के बिल देने में शर्मा रहे हैं कि ऐसे ऐसे दबंग लोग बिजली की वसूली करने जा रहे हैं। तो क्या अब यही स्थिति होगी, गुंडों से आप बिजली की वसूली करवाएंगे? और स्थिति क्या, इनका सारा कुछ मिला जुला के केवल एक चीज है कि यह किस तरह से उन कुछ प्राइवेट घरानों को ओबलाइज करे। एक उदाहरण दूंगा, सोलर पावर जिसको 4 रुपया में नियामक आयोग द्वारा बाद में तय किया गया, 4 रुपया प्रति यूनिट, और यही उत्तर प्रदेश के नियामक आयोग के चेयरमैन कोई अग्रवाल है कौन है, इन्होंने जो प्रस्ताव भेजा था 7 रुपया 2 पैसे का भेजा था, 4 रुपया पे अनुमोदित हुआ। इसका कारण क्या था, सरकार का दबाव था कि इसके प्लेयर हैं अडानी जी सोलर पावर के। तो आप किसी कुछ खास घरानों को खुश करने के लिए प्रदेश की जनता को आप इस स्थिति में ले आ रहे, मेरा इस सरकार चले तो कम से कम ये कह सकते हैं पांडे जी, जो आप कह रहे हैं कि निजीकरण को फायदा पहुंचाने के मकसद से इस तरह के फैसले होते हैं, है ना? आपने यही तो कहा। मेरा केवल एक कहना है कि सरकार को एक सुझाव है कांग्रेस पार्टी की ओर से, अगर आप सही सच्चाई में बिजली विभाग के प्रति अगर संवेदनशील है, इनके कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति संवेदनशील है, तो आप एक स्पेशलिस्ट की कमेटी बनाइए, विधानसभा विधान परिषद के तमाम सदस्यों की जैसे सब कमेटी बनाते हो, इसे कमेटी बनाइए और पुराने बकाए वसूली करिए। बिजली विभाग का राजनीतिकरण बंद कर दीजिए, इससे जबरदस्त आमदनी का उत्तर प्रदेश में कोई विभाग नहीं होगा। चले ठीक है रविंद्र सिंह जी, लेकिन एक एक सवाल जो अभी मिश्रा जी की तरफ से भी कहा गया कि जहां पर नफे की बात होती है वहां पर निजीकरण और जहां पर नुकसान का आकलन हो जाता है वहां पर राष्ट्रीयकरण, असल बदहाली की वजह यही है क्या? वो इसीलिए है अक्षय जी,
कि जैसे आज की तारीख में भी हम देखें कि शहरी क्षेत्र से और खासतौर से जिन जिलों की बात आई है जिनका हम निजीकरण करने की बात कर रहे हैं वो मुनाफे के राजस्व दे रहे हैं, मुनाफा दे रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से रेवेन्यू बहुत कम आता है और आगे भी बहुत कम आएगा क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के उसमें मूल्यों में बहुत अंतर है। तो जब हमें कम पैसा मिलेगा तो विभाग कैसे चलेगा? जहां मुनाफा है वो हम दे देंगे प्राइवेट कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला जाए, मुनाफा वो कमाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों से जहां रेवेन्यू कम आता है, जब रेवेन्यू कम आएगा तो विभाग तो अपने आप बैठ जाएगा, विभाग चलेगा ही नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, और हमारे सामने टोरेंट का उदाहरण सबसे सामने है, बिल्कुल जीता जाता है कि जो घोटाले की बात आ रही है, हजारों करोड़ के घोटाले की बात आ रही है कि हमने उसको दिया, वो महंगी बिजली भी दे रहा है और वो चीजें नहीं दे पा रहा है। जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि वहां दबंगई के साथ जैसे एक जमाना था कि यहाँ पर शहर में कार लोन लिया और उसके बाद कार खरीद ली और फिर गुंडों से कार उठवा ली जाती थी अगर हमने एक किश्त नहीं दी तो, ठीक उसी तरीके से आगरा में वसूली, तो अगर ये वसूली की शुरुआत हुई कि उनके गुंडे आए और वो वसूली कर रहे हैं तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आपके ऊपर विभाग के ऊपर सरकारी बकाया बाकी हजारों करोड़ का, जिससे कि विभाग और आगे एक तरक्की कर सकता है, वो बकाया दिया जाना चाहिए, वो दिलवाइए, और जो ईमानदारी से जहाँ मुनाफा हो रहा है कम से कम उनको तो विभाग के ऊपर छोड़ दीजिए, जहाँ घाटा हो रहा है उनको देखे देखिए, एक बार घाटे के सौदे को दीजिए प्राइवेट हाथों को, तब देखें कि वो मुनाफा कमाते कि नहीं कमाते। चले बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हम गोस्वामी जी से रिएक्शन जरूर लेंगे, किसी को भी दे देंगे कि जहाँ पर घाटे पे घाटे का सौदा स्थिति है तो वहां पर उभारने का काम कीजिए, जहां पर ठीक काम चल रहा है वहां पर अड़ंगा डालने से क्या फायदा है। लेकिन जीके मिश्रा जी, एक चीज मैं और भी जानना चाह रहा हूं, क्या निजी कंपनियों से बिजली की खरीद के मायने क्या निकाले जाने चाहिए? एक तरफ सरकारें ये दावा करती हैं कि हम आम जनता को राहत पहुंचाएंगे, कम से कम दाम में बिजली कैसे उपलब्ध हो ये राहत पहुंचाएंगे, लेकिन जब हकीकत पता चलती है तो आम लोगों की जेब तो कटती रहती है और बिजली भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाती। देखिए, निजी क्षेत्र की जो बिजली कंपनियां हैं वो महंगे दर पे पावर कॉर्पोरेशन को बिजली दे रही है, एनटीपीसी मात्र 3.5 रुपए में, और जो राज्य की एजेंसी है उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, वो मात्र 3.16 रुपए में बिजली सप्लाई कर रहा है पावर कॉर्पोरेशन को, और उसमें भी उत्पादन निगम का पैसा जो है वो पेमेंट नहीं होता। सबसे ज्यादा बकाया राज्य सरकार की जो स्वामित्व वाली कंपनी है राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उसका 8,000 करोड़ रुपए पावर कॉर्पोरेशन में बकाया है, तो वो उसको तुरंत भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमेशा सरकार जो है वो निजी क्षेत्र से बिजली खरीदने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा काम करती रहती है, जिससे ये पावर कॉर्पोरेशन के घाटे में इजाफा होता है। तो हम इस पर भी बार बार आग्रह करते रहते हैं सरकार से, और अभी भी आज आपके मंच के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि बिजली की खरीद भी निजी कंपनियों से ना की जाए, ये बिजली का जो क्षेत्र है इसको उत्पादन भी सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा लगाया जाए और उनसे ही बिजली सस्ती बिजली ली जाए। गोस्वामी जी, अब जवाब भी दीजिए। जी जी मिश्रा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, दूसरी जो बात है कर्मचारियों की, मैं बता दूं आपको, निश्चित है कि ये शहर अगर निजी क्षेत्र में चले गए तो उत्तर प्रदेश से लाखों युवाओं का सपना खत्म हो जाएगा। आप समझ लीजिए, बहुत सारे जो लोग डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं, आईटीआई करते हैं, राज्य सरकार में बहुत कम सीमित अवसर होते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और ये उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, ये संस्था है जो भारी मात्रा में कम से कम उन सपनाओं को, उन युवाओं को एक सपना दिखाती है कि वो अब तैयारी करके मेहनत करके सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सकेंगे। और आपने प्राइवेट की वर्किंग, आपको बताइए किस तरह से वहाँ शोषण होता है, चाहे इंजीनियर हो चाहे मजदूर हो, वो शोषण होगा। तो हमारी चिंता ये है, हमारी चिंता किसानों के लिए है, हमारी चिंता मजदूरों के लिए है, हमारी चिंता देश के ठीक है, यानी कि कर्मचारी संगठन को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर निजी हाथों में इस तरह से सौंपने की तैयारी शुरू हो गई, कल को और भी तमाम विभाग होंगे जहां पर यही कहा जाएगा कि निजीकरण कर दिया जाए तो बेहतर रिजल्ट आएगा। गोस्वामी जी, ये अन्य विभागों के कर्मचारियों में डर नहीं जाएगा कि सरकार हर चीज का निजीकरण करने की तरफ आगे बढ़ रही है? और जो अभी रवीन जी की तरफ से कहा गया कि आप वसूली कीजिए ना, किसने रोका है? जिनका बकाया है उनसे वसूली कीजिए। अच्छा जी, रवीन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ये वसूली कोई आज की तो है नहीं,
कि आज हमारी सरकार सर, एक साल हुआ एक आज साल तो आप सरकार में हैं, अगर पिछली सरकारें नहीं कर पाई तो आप किस लिए सरकार में, ये आज आप लोग सरकार में हैं, आप लोग वसूलिए, बिजली की चलमलाई हुई है उत्तर प्रदेश में, गाँव में सारे लोगों की बिजलियां काट दी जिनका बकाया था, वहां नहीं आप रोक सके, वसूली नहीं वहां पे, वहां जबरदस्त वसूली कर रहे हैं, गरीबों की लाइट काटी जा रही है, यहाँ आप लाइट जोड़ी जा रही जहां हजारों करोड़ रुपए बकाया है, गरीबों को आप बंद कर सकते हैं, अमीरों के लिए कह रहे हैं कि ये पुराने पैसे हैं, जवाब तो सुन लीजिए, इन मंत्रियों ने जवाब सुन लीजिए, बिजली कभी दिया नहीं, आदमी ने आपको उत्तर प्रदेश की जनता बिजली के लिए तरस गई आपकी सरकार में, आपका तो मैनपुरी इटावा कन्नौज मंत्र मारा है, जिलों में कर दिए क्या, बिजली आती थी योगी जी ने मंत्र मारा है क्या, बिजली पर कितने होते थे, मंत्र मार दिया, आपने बिजली गोली से चलाया है, टीवी में बैठ के कहानी मत बताया करिए, महानगरों में आपने गोली से चलाया है, गोस्वामी जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मनोज जी तमाम चीजें बहुत वक्त लगेगा, हर चीज में बहुत काम करने की जरूरत है, हर विभाग में नहीं जाती है, मेरा सवाल ये है के रिजीम में 5 जिले में बिजली और योगी के जमाने में 75 जिले में बिजली देकर दिखा रहा हूँ, गोस्वामी जी निजीकरण करने के पीछे सिर्फ वसूली एकमात्र सरकार का, हम सभी लोग बता रहे हैं, अरे बिजली हमारी बिजली देने के लिए उसके लिए बिजली पैदा गोस्वामी जी अपने बजट में क्या होता है, बजट में मेगावाट बिजली आप खरीदते हैं सेंटर से बताइए, और उत्तर प्रदेश में कितनी पैदा होती है बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता कहानी मत बताया करिए टीवी पर, 24 घंटे सही बात बताइए, रही बात कर्मचारियों के हित में सरकार खड़ी है, यूपी पीसीएल की वैकेंसी बढ़ा रही है, हम उत्तर प्रदेश गोस्वामी जी जनता के लिए सरकार का संकल्प, गोस्वामी जी तर्क के आधार पर जवाब दीजिए ना, गोस्वामी जी तर्क दीजिए ना कि कैसे कर्मचारियों का हित सुरक्षित रहेगा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, और साथ ही निजीकरण होने के वजह की वजह से आम लोगों की जेब पर बोझ और नहीं बढ़ेगा, ये होगा कैसे, इसको लेकर जवाब दीजिए ना, देखिए जब कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो थोड़ा सा जेब भी गर्म होता है, ये अच्छे जी आप समझिए, अभी कम जेब बिजली करनी पड़ रही है, 24 घंटे हम बिजली देने जा रहे हैं, हम सारी सुविधा गांव को भी मुहैया कराने जा रहे हैं जो शहर में सुविधा कर रहे थे, तो थोड़ा सा अगर जेब गर्म होगा वो जनता उतना वाहन करने के लिए तैयार है, अगर हम गांव में फ्री वहां भी बिजली महंगी कर रहे हैं, पांडे जी कहते हैं भी बिजली महंगी कर रहे हैं, कनेक्शन फ्री में दिया, मनोज जी आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए सर, आपके समय में बिजली सस्ती नहीं थी, हम भी एनसीआर में रहते हैं, यहाँ पर बिजली के क्या हालात थे, कैसे कटौती होती थी, लोगों को अच्छी तरह पता है ना सर, अरे ये बिजली मांगने वालों पर गोली तक चार्ज कराए हैं, लाठी चार्ज कराए हैं इनके पास, अरे सर आप मुझे ये बताइए जो वसूली सरकारी विभागों पर अभी होना बाकी है, जिन पर बकाया है बिजली का कर्ज, उनसे वसूली को लेकर कोई प्लान है कि नहीं है, या सिर्फ आम जनता से किस तरह से वसूली कर ली जाए, इसी पर फोकस है, सरकार की देन नहीं है कि मेरे जमाने में ही ये लोग उधार है बिजली का, बिजली बाग के बहुत पुराना खेल है, इसमें बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकारें कोई भी रही हो सबकी नियत पर सवाल उठते रहे कि बातें बड़े बड़ी की जाती थी, अगर बातें ना की गई होती तो आज नतीजा ये ना होता, साफ है जीके मिश्रा जी साल 2000 में बिजली विभाग का जो घाटा 453 करोड़ रुपए महज हुआ करता था, अब तकरीबन 72,000 करोड़ के आसपास है, ये कहां से हो गया 80,000 करोड़ जी, वो ऐसा इसलिए है कि जो हम लोग गांव में बिजली देते हैं, जो गरीब लोगों को बिजली देते हैं वही घाटा है, और इसमें कोई ऐसा घाटा थोड़ी है, तो इसमें इसलिए हम लोग उसमें विरोध कर रहे थे, नहीं तो उसकी भरपाई महानगरों के लोगों से की जाएगी, आम जनता से की जाएगी, ये बिजली बोर्ड की भरपाई, बिजली बोर्ड को तोड़ने से घाटा बढ़ गया, बिजली बोर्ड को तोड़ने से घाटा बढ़ गया, और पहले जब एक साथ था जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये घाटा कम था, जब बिजली बोर्ड को तोड़ दिया गया तो ये घाटा बढ़ गया, हम आज सरकार से आपके मंच के माध्यम से आपके टीवी के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने इस निजीकरण के फैसले पर विचार करें, संयुक्त संघर्ष समिति जो बनी है हमारी उसको ये 5 शहरों का हमें 1 साल के लिए दे दें, इसको हम और अच्छे बेहतर करके और इसको
और मुनाफे में ले जा करके, जो भी प्राइवेट पूरे देश में जो प्राइवेट कंपनी अगर कोई मुनाफा कर रही हो उससे ज्यादा मुनाफा में ले जा करके हम दिखा देंगे इसको, ये हमें एक साल के लिए हमें ये मौका दे। गोस्वामी जी, संघर्ष समिति गोस्वामी जी, ग्रामीण अंचलों में बिजली वितरण का जिम्मा क्यों नहीं देते निजी कंपनियों को? नहीं, उसमें भी 7 जिले चयन किए जा रहे हैं। अच्छा जी, उसमें भी 7 जिलों को हम लोग ले रहे हैं। अगर सहमति बनी इन कर्मचारी संघ के नेताओं से या आम जनता से या विपक्ष के जो नेताओं से भी, हमारी अपील है कि गांव में बिजली जो दिया जा रहा है, शहर की अच्छी स्थिति लाने के लिए कुछ ना कुछ तो ठोस कदम उठाने पड़ते हैं ना। मिश्रा जी, आप इस बात से सहमत हैं कि अगर ग्रामीण अंचलों में निजीकरण हो जाए तो उसके बेहतर परिणाम होंगे? अरे, वो निजी क्षेत्र के लोग नोच लेंगे ग्रामीण लोगों को। हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को बड़े करीब से देखा हुआ है, उन किसानों को, उन मजदूरों को वो डंडा मार के वसूली करेंगे, कभी सोचिएगा नहीं, वो तो और खतरनाक है। हम कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ अभियंता है, हम भी एक नागरिक हैं देश के और एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। नहीं सर, इसीलिए तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि बिजली विभाग में आप हैं और आपको वहाँ पर क्या कमियां हैं और क्या बेहतरी है, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात की जानकारी है। मेरा सवाल यही कृष्णकांत पांडे जी से, किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में अभी मीटरिंग की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर अभी मीटर नहीं है, वहाँ पे फ्लैट रेट पे बिजली दी जाती है और बिजली का धीरे धीरे जो लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, तो बिजली की खपत उस फ्लैट रेट से काफी ज्यादा है, तो उस लिए विभाग को घाटा होना स्वाभाविक है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 22 करोड़ की जनसंख्या है और हम तो सोनभद्र इलाके में काफी दिन रहे हैं। वहाँ आदिवासियों के बीच में जाइए, आप चाहे वो डंडा भी मार दीजिए उनको, वो बिजली का बिल नहीं दे सकते, उनके पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से देंगे बिजली का? तो वो तो सरकार को आगे आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो हमारा काम है, पावर कॉर्पोरेशन का काम है, सरकार का काम है वो भरपाई करे, हमें तो देना पड़ेगा बिजली गरीब लोगों को। वसूली उन लोगों से जिनका जिक्र रवींद्र सिंह जी ने भी किया और कृष्णकांत पांडे जी भी कहा कि जो 10-11 हजार करोड़ का बकाया है, हम अच्छा जी, उसमें अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी हैं। अरे तो सर, कीजिए ना, किसने रोका? गोस्वामी जी, कीजिए ना वसूली, किसने रोका? सर, आम जनता ही सभी को नजर आती है क्या कि आम जनता को चाहे जैसे भी नोचो घसोटो? उत्तर प्रदेश की जिससे ये प्रदेश देश चलता है, उसको बिजली चली जाती तो आपको दर्द होने लगता है, वो बिजली का बिल नहीं दे पाता। उसने अपनी कभी भी अनाज का रेट नहीं तय किया, जो आप बोल देते हैं उसी रेट में वो बेच देता है। आप तो अपनी बिजली का भी रेट तय करते हो, आप गांव में किसानों को बिजली दे रहे हैं और आप फ्री में दे रहे हैं, उसका अन्याय कर रहे हो। हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, जवाब मिलेगा। मैं फिर कुछ वक्त पहले का एक प्रकरण याद है, जब योगी सरकार नई नई आई थी, शायद उसी दरमियान की बात है कि नेताजी मुलायम सिंह के आवास पर शायद कोई बिजली विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था, 4.5 लाख के बकाया का बकाया, वो बकाया जमा नहीं होता। सिर्फ नैतिकता की बात होती है कि आप वसूल कीजिए, जब आप सरकार में रहते हैं तो आप क्या करते हैं? यही अक्षय जी, मेरा यही कहना है, मुझे चाहे निजीकरण हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि सरकार को अपना पैसा लेने में गुरेज क्या है? जो पैसा लोगों बकाया है, वो चाहे किसी भी पार्टी की, चाहे कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, या मंत्री रहे हैं या मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उन पर बकाया है तो उनसे बकाया क्यों नहीं वसूला जा रहा है? हम पर अगर 5,000-10,000 बकाया हो गया तो हमारी बिजली काट दी जाएगी या हमारे खिलाफ कुर्की का नोटिस आ जाएगा, गांव देहात में काट दी जाएगी, नोटिस आ जाएगा। इन पर जब लाखों का लाख बकाया है, इनसे क्यों नहीं वसूली होती है? नहीं तो कर रहे हैं गोस्वामी जी ने तो खुद इस बात का करवा रही है। नहीं, गोस्वामी जी ने तो अभी खुद एक्सेप्ट किया ना कि तमाम नेताओं के बकाए हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, पत्रकार भी हैं। दिक्कत क्या है गोस्वामी जी? काट दे, अरे भाई बिजली काटने से हमें हमारी वसूली हो जाएगी? गोस्वामी जी एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजूंगा आपके पास, निश्चित रूप से किसानों को भी लाइट दे दीजिए ना। गोस्वामी जी एक लंबी लिस्ट भेजूंगा जहां पर मामूली से बकाया के नाम पर बिजली का मीटर कट कर दिया जाता है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, भेजूंगा। और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि तमाम बड़े अधिकारी हैं, तमाम बड़े पॉलिटिशियन हैं, तमाम बड़े पत्रकार हैं, सरकार में आप लोग वसूली कीजिए ना। समाज के ही ना,
वसूली कीजिए ना सर, किसने रोका? समाज के है ना, कहीं बाहर से तो आए नहीं है सर, वसूली कीजिए, रोका किसने? हमारे उत्तर प्रदेश की निवासी है, हम उनसे अपील कर रहे हैं। गोस्वामी जी, अगर अगर मैं अपने बिजली के बिल का भुगतान करता हूँ, किसी पर एहसान कर रहा हूँ क्या? अगर आप अपना बिजली का बिल जमा करेंगे, एहसान करेंगे क्या किसी पर? व्यक्ति को अपनी सोच होनी चाहिए कि हम बिजली का बिल समय से जमा कर दें, पानी का बिल समय से जमा कर दें। बिजली कटी तो अपने आप ही एक ही मिनट का एक फाइनल रिएक्शन आपसे जरूर चाहूंगा। समय का अभाव है हमारा, आपका भी दायित्व है। सिर्फ बातें करने से नहीं चलता ना, सिर्फ बातें कर देने भर से नहीं चलता। आम जनता के लिए अगर वही रियायत दी जाए तो समझ में आता है। आम जनता के तो कान पकड़कर आप वसूली कर लेते हैं। ऐसा नहीं, हम गांव में फ्री कनेक्शन दे रहा हूं, मिश्रा जी ट्यूबवेल लगवा रहा हूं, समझे? मिश्रा जी कहां पर दिक्कत है? अगर ईमानदारी से अगर लोग अपना जमा करें बकाया जो भी है, अगर जो नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसके लिए विभाग में बाकायदा स्क्वाड भी तो रखा जाता है ना, वसूली के लिए। बिल्कुल, आपको कही जाए, आपको रामपुर की घटना बता दें। रामपुर में जब हमारे अधिकारी गए तो वहां पर अटैक हुआ उनके ऊपर और वो मरणासन्न स्थिति में छोड़े गए वहां पे, लेकिन सरकार की तरफ से जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हुई। इसी तरह की कई घटनाएं हैं कई जगहों पर हुई, जब हमारे कर्मचारी जाते हैं वहां पे उन पे उनके साथ मतलब घातक हमले होते हैं। घातक हमले होने के बावजूद वो वहां पे इतना ज्यादा दबाव बना दिया जाता है, स्थानीय जो जिलाधिकारी होते हैं और जो वो काउंटर FIR ले लिया जाता है और बड़े बड़े संगीन धाराएं वो SDO के खिलाफ लगा दी जाती हैं वहां पे। तो उस हमारे विभाग में काफी युवा अभियंता आए हैं जो बड़ा बड़ा, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, बड़े बड़े ही मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है और वो जो कानून और व्यवस्था है वो प्रदेश में कहीं कहीं आड़े आ रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कानून व्यवस्था पर आप बोलेंगे? आप अपने चले सर, आप कानून व्यवस्था पर तो बात आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त हो गया। लेकिन गोस्वामी जी, गोस्वामी जी ने मैं धन्यवाद समाजवादी पार्टी को, गोस्वामी जी का धन्यवाद दूंगा कि भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट किया, भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। योगी जी सुन रहे हो सर, कुल मिलाकर मोटिव ये होना चाहिए कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उस पर नकेल कैसे कसी जाए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर सुझाव भी देना चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कार्रवाई हो। उम्मीद हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं। चर्चा के समापन का वक्त है कि आप निजीकरण करना चाहते हैं तो खुद कीजिए, लेकिन उन कर्मचारियों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए जो विभाग में कार्यरत है, क्योंकि आरोप यही है कि निजीकरण के चलते सरकारी विभागों पर या तो ताला लगाने की स्थिति बन जाती है या फिर उन्हें घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आज हालात ये बने हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। चर्चा के समापन का वक्त है। उम्मीद इस बात को लेकर की जानी चाहिए कि सरकार जो प्रयास करे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, बिजली लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन अगर उस बिजली पहुंचाने की वजह से किसी को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अब महाभारत भी तेज होती जा रही है, आरोप यही लगाया जा रहा है कि वितरण के नाम पर चंद घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इससे आम जनता को भला नहीं पहुंचेगा बल्कि आम जनता की बोझ पर बढ़ेगा। सरकार को इन तमाम पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।